मिल गया तेरा इशारा, गुड आफ्टरनून। सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है, लार्जेस्ट का स्मॉलेस्ट व्हील और मिक्स कोचरा, ठीक है, अग्निवीर और सीयूटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पीडीएफ भी भेजी है, ठीक है, पीडीएफ पर से मैंने स्लोगन और न्यूज़पेपर दोनों की भेजी थी, भाई याद किसी ने नहीं, पीडीएफ भेजी थी ना भाई, स्लाइड्स भी भेजी थी और पीडीएफ भी भेजी थी आपको, नहीं मिली आपको, वेरी गुड। आज ये सुनाएगा सारा, बातें नहीं करो यार, फिर अखिलेश सुनाएगा सारे क्वेश्चंस इसके बाद, ठीक है, इसका वीडियो बनाएंगे, अगले सारे क्वेश्चंस। चलिए से लास्ट क्वेश्चन हमने किया लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, जब लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड किया साथ में अब हम भारत की भी करेंगे, ठीक है, एशिया की भी लार्जेस्ट डैम जो है थ्री जॉर्ज डैम, ठीक है, तेज वंश चल तेज बोल प्रकाश रोशनी, रोशनी किसकी गुरु होगी, इसका नाम है तेज वंश, ठीक है, बड़े अच्छे नाम होते हैं सिख में, जैसे बड़े मीठे नाम, मतलब मीठे नाम हो सकते हैं, बलजीत नहीं, गुरसिमरन इज अ स्वीट नेम, तेज वंश मींस जिसका प्रकाश चारों ओर फैला हो, ठीक है, जैसे गुरु नानक देव जी थे उनका प्रकाश और जो हम क्या हर जगह फैला होता है, और रूह की बात करते थे, किसकी रूह की, मुक्त जान देने जिसम यहाँ रूह जो है, आत्मा जो है वो अमर रहती है, ठीक है, अब बीच में बातें मत करो, जिसने करनी है गेट आउट फ्रॉम माय कक्षा, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चल तेज, फर्स्ट आर्टिफिशियल डैम, फर्स्ट डैम, हु विल फर्स्ट डैम, ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ सकते हैं अग्निवीर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, सीयूईटी में भी पूछ सकते हैं, भारत में पहली डैम किसने बनाई, सबसे पहले, ठीक है, ये एनिशिएंट प्री मेडिवल पीरियड में बनी थी, ठीक है, मोहनजोदड़ो भाई सही है, चोला ने बनाई थी, कैरिकाल ने, किसने, और इस डैम का नाम क्या है, कल्हाना, क्या है, कल्हाना डैम, ठीक है, अब कैरिकाल जो थे कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, चोला, फर्स्ट डैम इन इंडिया, ठीक है, ये फर्स्ट डैम इन इंडिया ऑन विच रिवर, ये तो तू देखा नहीं अब ये, ठीक है, ऑन विच रिवर, कावेरी, अब अग्निवीर वालों देखो भाई, ठीक है, जो भी डैम करनी है मैंने पीछे रिवाइज करवाई थी आपको, वो कौन सी रिवर के ऊपर बनी है, साथ में ये भी करना, ठीक है, अग्निवीर और सीयूईटी का लेवल सेम होता है, ठीक है, अग्निवीर का लेवल थोड़ा सा टफ हो, इस बार हो सकता है सीयूईटी का लेवल भी टफ हो, ठीक, कल्हाना डैम इज द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट डैम इन इंडिया बिल्ड बाय चोला एम्पायर एंड ऑन कावेरी रिवर, ये भी याद रखना है, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एनडीए वालों को मेरे मतलब क्रेंट्स कर लो ज्योग्राफी में, क्रेंट्स जब रस्ती मैंने इनको 3 दिन पहले करवाई थी, ज्ञान से कम से कम आज ज्योग्राफी आया, पेपर आया, ठीक है, ज्ञान की प्रमोशन तो करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाईएस्ट डैम इंडिया में और लार्जेस्ट डैम, हाईएस्ट डैम, लार्जेस्ट डैम एंड ग्रेविटी डैम, ठीक है, लार्जेस्ट मैसन डैम, ये आप लोगों के लिए, ठीक है, मैसन डैम, हाईएस्ट डैम जो है गुरु सिमरन देख भाई,
बच्चे बहुत सारे क्या लिखाते हैं, तेजपाल क्या लिखते हैं, ठीक है, टेहरी डैम, ये उत्तराखंड में कहाँ पे है, और बागीरथी नदी के ऊपर, किसके, बागीरथी नदी के ऊपर है, ठीक है, कहाँ पे, यूके में, ठीक है, लार्जेस्ट, अब ये हाईएस्ट हमने इसलिए लिखा, इसका जो डिस्टेंस है सी लेवल से ज्यादा है, ठीक है, जो हीराकुंड डैम है इसका डिस्टेंस जो है सी लेवल से इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, लार्जेस्ट डैम कौन सा आ गया, हीराकुंड डैम, ठीक है, ये कौन सी नदी, ये महानदी के ऊपर है, महानदी ओडिशा, ठीक है, कहाँ पे है, ओडिशा, ठीक है, और ग्रेविटी डैम जो है भारत की, ये एक बार क्वेश्चन एनडीए में आया था, ठीक है, कौन सी है, महाराणा प्रताप डैम, ठीक है, बाखरा नंगल डैम, बाखरा नंगल, हमारे यहाँ पे ना यूट्यूबर वो भी गूगल देवता भी है ना, ठीक है, वहां से जब देखते हैं कि वह गूगल देवता गलत बता देता है ना, बाखरा नंगल डैम, आप ये सतलुज नदी के ऊपर, ये कहाँ पे है, सतलुज, हिमाचल, सतलुज नदी के ऊपर है, भाई इस चिनाब जो नदी है, चिनाब जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, इसके ऊपर अभी बहस चल रही है, ठीक है, सर बता रहे थे कि सतलुज नदी है वो चिनाब से ज्यादा बड़ी है, ठीक है, नहीं है, चलो ठीक, अभी इस पर डिस्कशन होगी, मैंने रखा है इस टॉपिक को, ठीक है, यहाँ पे ये डैम आप बताओगे इंडिया में लार्जेस्ट मैसन डैम कौन सी, ये हो गए क्वेश्चन सारे, ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन रह जाएगा, लार्जेस्ट अर्थ ब्रिज इन इंडिया, ये कर लो, ये क्वेश्चन आने के साथ, लार्जेस्ट अर्थ ब्रिज इन वर्ल्ड, आर ए आर सी, अर्थ ब्रिज इन वर्ल्ड, मैं लिख रही थी मुझे याद आया, इन वर्ल्ड कौन सा है, चिनाब, चिनाब ब्रिज कहाँ पे बन रहा है, रियासी, ये जे एंड के में है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है, बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो गया डन, क्या मुझे नहीं आ रहा, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ आ गए सबको, आ गए, मिटाओ, दीपिका और आकृति अधर्णीय पढ़ने का, ठीक है, बिजिएस्ट एयरपोर्ट, अब बेस्ट एयरपोर्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन आया है, कौन सा है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक, कौन सा बोल रहा है, इंदिरा गांधी एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, और लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया इज, ठीक है, पूछ सकते हैं लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है और बिजिएस्ट एयरपोर्ट का कौन सा है, दोनों लिख सकते, ठीक है, यहाँ लार्जेस्ट, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर रहे हैं, आप देखो फर्स्ट एरोड्रम जो एयरपोर्ट बनाया गया था एरोड्रम वो कौन सा है, कौन सा, जुहू एयरड्रम, ठीक है, फर्स्ट जूही नहीं है, ठीक है, फर्स्ट एयर, हाँ गोवा में डिटॉक्स करते हैं, फर्स्ट एयरड्रम जो है वो कहाँ पे है, जुहू में, ठीक है, मुंबई बैग में सबसे ज्यादा खुश हूँ अग्निवीर वाले और सीयूईटी वाले कल टेस्ट तैयार रखेंगे, ठीक है, कल मैंने टेस्ट लेना ही लेना और घर में रिपोर्ट आपके ले जाऊंगे, जे आर डी टाटा, अब पहली फ्लाइट कहां से कहां चलाएगी, फर्स्ट फ्लाइट कश्मीर, हाँ फर्स्ट फ्लाइट कराची टू कश्मीर, ओ भाई ठाणे टू पुणे, भाई यार क्या करते हो, हम ठाणे टू पुणे तो वो चली गई, ओ भाई क्या कर रहे हो, मुंबई टू लाहौर, तुम गलत हो, वो ट्रेन की बात कर रहे हो, मुंबई से
बॉम्बे टू लाहौर, कराची, बॉम्बे टू कराची। अब कराची में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ग्वादर पोर्ट जो चाइना ने बनाया। कौन सा? ग्वादर पोर्ट, ठीक है, याद रखेगा। फर्स्ट फ्लाइट बॉम्बे टू कराची चली थी और जेआरए टाटा पहले पायलट थे, और जिसको एयर इंडिया, जो आज एयर इंडिया ना, एयर इंडिया गवर्नमेंट ने पहले खुद ले लिया प्राइवेट से, ये टाटा वाला का एयर इंडिया, टाटा वाला का ड्रीम था, ठीक है, वापिस टाटा वाला के पास चला गया है। नेक्स्ट देखो, लार्जेस्ट हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट आर्क ब्रिज इन द वर्ल्ड, आपने देखा है ना, यहाँ पे ब्रिज इस तरह बना, ठीक है, सिर्फ जब बन रहा था मैं भी सोच रही थी कैसे हाईएस्ट बनेगा, ठीक है, ये नीचे आर्क की तरह, मतलब पहले आर्क बिल्ड की गई है, उसके ऊपर इस ब्रिज को स्टेबल किया गया। अच्छा, पहला हाई कोर्ट जो भारत में बनाया गया वो फर्स्ट तीन जगहों में बनाया गया, तेज जरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तीन हाई कोर्ट जो बनाए गए वो कौन से हैं? कोलकाता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट एंड बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, सब तीनों एक साथ बनाए गए थे भारत में, ठीक है। पहले कोलकाता हाई कोर्ट जो है ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, कौन कौन से है? कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। लार्जेस्ट अपेक्स बॉडी, लार्जेस्ट कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। एक बार एग्जाम था मेरे एक बच्चे को, ये नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट, ने पूछा हाउ मेनी सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, बच्चे ने कह दिया तीन चार, याद रखिएगा, तुम लोग बड़े मजेदार बच्चे हो। अगर मैं अभी पूछू ना नागालैंड की करेंसी क्या, तुम वो भी बता दोगे मुझे? नागालैंड की करेंसी मानसु बताओ, अभी मानसु गूगल चेक करेगा, नहीं भाई रुक जा रुक जा, कहा नागालैंड की कैपिटल? देखो मैंने बोला ऐसे भी लोग आते हैं जो हमें बताएंगे नागालैंड की करेंसी, ठीक है, कैपिटल तो ठीक थी, ये क्या आ रही है करेंसी। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? वन। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग मेंबर्स होते हैं? 33। बेंच जो होता है ना वो पांच, इसको कोलेजियम बोलते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में 33 मेंबर्स हैं, ठीक है। हाईएस्ट जो लॉ, हाईएस्ट पोस्ट जो होती है वो कौन सी होती है, ठीक है, हाईएस्ट पोस्ट सीजीआई ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होती है, यहाँ पे सीजीआई होगी, ठीक है, लॉ ऑफ के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में कौन है चीफ जस्टिस? ये क्वेश्चन करना भाई, डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़। अटॉर्नी जनरल कौन है? वेंकटरमन, याद रखिएगा वेंकटरमन अटॉर्नी जनरल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ठीक है, ये याद करने हैं। हाँ, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले क्वेश्चन पूछे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? फर्स्ट शुक्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर सोहित को नहीं आता ना मैं आज इसको क्लास से बाहर कर देती, क्योंकि अभी इसका दो तीन महीने पहले एसएससी का पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन करके आया था, नहीं करके आया था, एच जे पानिया, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं भाई केशव, ठीक है। और पहली चीफ चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, चलो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज पहले कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट फीमेल, फर्स्ट फीमेल कौन है सुप्रीम कोर्ट जज? फातिमा बीवी, फातिमा बीवी, फातिमा बीवी फर्स्ट चीफ जस्टिस, हाँ हाई कोर्ट, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ओ भाई
हाई कोर्ट, हाई कोर्ट लीला देवी, लीला सेठ, लीला सेठ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हाई कोर्ट एक रह गया, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया? 25 हाई कोर्ट्स है, और ये 25th जो है कौन सा है? तेलंगाना हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट। अब देखो यहाँ पे सभी बच्चे, यहाँ पे अभी रिवाइज भी कर लेंगे, मैंने आपको कोर्ट ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जो भारत में बनाएंगे वो थे सबसे पहले कोलकाता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट। हमने उसके बाद बोला लार्जेस्ट कोर्ट इन इंडिया इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट। कितने सुप्रीम कोर्ट है? एक है। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में, नई बस्ती में नहीं कर देता, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम होता है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 33। अटॉर्नी जनरल भी फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है भारत का, उसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। और फर्स्ट कौन थे? एच जे कालिया, ठीक है। जो लॉ का पेपर नहीं भी देता तब भी ये क्वेश्चन आते हैं, बड़े सारे बच्चे एसएससी दे चुके हैं, अग्निवीर दे चुके हैं, उनको पता ही वाले सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट, पहली वुमेन चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट लीला सेठ, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज फातिमा बीवी। ये समझ आ गए सारे क्वेश्चन सबको आगे, ठीक है। जिनका अभी एनडीए नेक्स्ट है वो ध्यान से करे, आपका तब तक क्रैक हो जाएगा भाई, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बताया था मैंने आपको परसों, ठीक है। समझ आई होगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं। आगे किसने कुछ लिखा ही नहीं, सोहित नहीं है ना, सोहित बना रहा है, सोच रहा है, कब बताया नहीं था ग्रुप में परसों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप देखो लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। आइलैंड कौन सा जो समुंदर से बनता है? दोनों क्वेश्चन को ठीक है। क्या है लार्जेस्ट रिवर आइलैंड? अब बहुत तक हो रहा है रेलवे, बोला आज रेलवे। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो नदियों से बनता है, ये पहले एनडीए में आता था क्वेश्चन, ठीक है। अब अग्निवीर आ गया, ये अग्निवीर वाले एग्जाम में रहेगा। आप मेहनत करो, विलेज पंचायत का भी पता नहीं जेके एसएससी क्यों दे रही, ये सारे विलेज पंचायत में रिवीजन होनी है। अगर अभी से आप कर लोगे सारे क्वेश्चंस, विलेज पंचायत वाले एग्जाम में जेके एसएससी में इनमें से क्वेश्चन देंगे, ठीक है। आप साथ में क्या करते जाओ, अब रिवीजन भी मुझे देते जाओ, टेस्ट भी देते जाओ। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी डन करवा दी है जीके, जो नए बनाऊंगी वो नेक्स्ट मंथ करेंगे, बट अब सीयूईटी के साथ एक मुझे लगता है इसमें थोड़ा हैवी पेपर है, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मचोली और लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड। करंट टाइम कितना हुआ है? ठीक है। और लार्जेस्ट आइलैंड इन एशिया, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा एशिया का? बोर्नियो। कौन सा है? बोर्नियो। अग्निवीर में इंडो क्या बेटा? इंडोनेशिया। सर पे बैठ दो मिनट। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल है बोर्नियो, पूछ सकते हैं, ठीक है। और कजाकिस्तान की कैपिटल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि दोबारा से अस्ताना होंगे, कौन सी होगी? अस्ताना। ठीक है। और कजाकिस्तान